अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। जी आज से शबरा तो हम लोगों ने घर में बनाए थे लाहौरी चने। सबसे पहले जी मैंने इसमें ले लिया था 1 kg ऑयल। फिर जी मैंने इसमें तकरीबन 1/2 kg अनियंस ऐड कर दिए थे। अनियंस को आपने इसको थोड़ा सा ब्राउन करना है, ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं कर लेना। ये देखें जी अनियंस हमारे ब्राउन हो चुके हैं। जब आपके इतने से अनियन ब्राउन हो जाएँ, इसके बाद जी मैंने जिंजर गार्लिक और ग्रीन चिलीज का पेस्ट बना लिया था, मैंने उसको ऐड कर दिया था फिर इसके अंदर। आपने इसको अच्छे से भून लेना है। जब ये थोड़ा सा भून जाए तो आपने इसमें 1 बाउल योगर्ट ऐड कर देना है। अब ये देखें जी अच्छे से अब मैंने इसकी भुनाई स्टार्ट कर दी है। आपने तकरीबन हर चीज़ डालने के बाद 15 मिनट्स इसको भूनना है, उसी से इसका मेन टेस्ट आएगा। फिर जी मैंने इसमें 4 टेबल स्पून हल्दी पाउडर डाला। आपने फिर इसको काफ़ी देर भूनना है, तकरीबन 15 मिनट। फिर जी इसमें 4 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर ऐड किया है। देन आपने फिर इसको तकरीबन 15 मिनट्स टू 10 मिनट्स जितने भी आप चाहें इसको भून लें, ताकि अच्छा सा टेस्ट आ जाए। फिर इसमें 4 टेबल स्पून धनिया पाउडर और 4 टेबल स्पून ही आपने जीरा पाउडर ऐड कर देना। इन दोनों को भी डाल के आपने अच्छे से मसाला भून लेना, बिकॉज ये इसकी मेन चीज़ है। अगर जितना अच्छा मसाला भुनेगा आपका, उतना अच्छा इसका टेस्ट आएगा। और यकीन जाने बिल्कुल बाजार जैसा टेस्ट आता है। अब इस तरह के चने बनाने तो आपको बाजार से चने लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। ये देखिए जी अच्छे से हम लोग इसको भून रहे हैं। अब जी ये मसाला ये देखिए भून रहा है अच्छे से। मैंने जो चने थे वो आपने ऐसे नहीं डालने, आपने बॉईल करके डालने। तकरीबन मैंने 1.5 किलो चने लिए थे, इसलिए मैंने 1 kg ऑयल लिया। फिर जी मैंने जब मसाला थोड़ा सा हो रहा था तो मैंने 4 ग्रीन चिलीज इसमें ऐड कर दी थी। ये देखिए इसको भी आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है। देन जी मैंने जो इसमें एक्स्ट्रा ऑयल था उसको सेपरेट कर लिया था। फिर अब इसमें बॉयल चने आपने पानी के साथ ही इसके अंदर ऐड कर देने ऐसे ही। ये देखें आपने देन थोड़े से चने सेपरेट लेके उनको अच्छे से ग्राइंड कर लेना है। ये आपका इस तरह मिक्सचर बन जाएगा। ये मिक्सचर आपने ऐड करना है, इससे आपकी बहुत अच्छी ग्रेवी बनेगी। ये इसका मेन ये जो छोटी छोटी बातें हैं, ये इससे आपके देखिएगा चनों का बिल्कुल टेस्ट चेंज हो जाएगा। देन जी इसके बाद हमने इसमें सॉल्ट ऐड कर देना है। सॉल्ट आपने अकॉर्डिंग टू ये टेस्ट ऐड कर देना है। मैंने चनों में भी सॉल्ट ऐड किया था, इसलिए मैंने इसमें थोड़ा सा सॉल्ट ऐड किया सिर्फ। और जी ये देखें जी चने हमारे थोड़े छोटे, मैंने इसको थोड़ी देर के लिए दम पर लगा दिया था। अब जी सेपरेट जो ऑयल था हम लोगों ने वो ऐड कर दिया इसमें। ये देखें जी ये जो एक दो मैंने बातें बीच में की हैं, जैसे सेपरेट कर दिया और इससे देखिएगा कितना अच्छा टेस्ट आता है। फिर जी इसमें 4 टेबल स्पून आपने ब्लैक पेपर पाउडर ऐड करना है, ठीक है जी। अब जी इसमें आपने तकरीबन 2 टेबल स्पून गरम मसाला ऐड कर देना है। अब जी अच्छे से आपने इसको मिक्स करना है और आपके जी चने ये हो गए हैं रेडी। इस ये मज़ेदार से चने जी आपके रेडी हो गए। अगर आपको ये मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।